हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी होम कुक। मैं अरुणिमा और मैं आज शेयर करूंगी रुई फिश की रेसिपी विद आलू। कैसे मिनिमम ऑयल में आप ये रेसिपी बना सकते हैं आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का रेसिपी। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम फिश ली हूँ और उसको 2 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून टर्मरिक से मैरिनेट करके 1 घंटा रख दी थी। अब 1 घंटा बाद एक पैन में 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। मस्टर्ड ऑयल लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अब फिश को हमने फ्राई कर लेंगे। इस साइड को हमने 3 मिनट तक फ्राई करेंगे हाई फ्लेम में। अब 6 से 7 मिनट बाद हम फिश को निकाल लेंगे। आलू को मैंने ऐसे इस तरीके से काट लिया है। आप चाहे तो कोई भी शेप में काट सकते हैं। मैंने 3 आलू लिया है मीडियम साइज़ के। अब उसको फ्राई कर लेंगे उसी ऑयल में और ऊपर से 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे तो थोड़ा बॉयल भी हो जाएगा। अब इसको 3 मिनट बाद हम निकाल लेंगे। अब उसी पैन में 1 टीस्पून और ऑयल ऐड करके 1 टीस्पून क्यूमिन डाल देंगे और 1 बे लीफ डाल देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट डाल देंगे। इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने 2 ग्रीन चिली एंड 1 ऑनियन को हमने चॉप कर लिया है, उसको भी डाल देंगे। अब इसको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑयल कम है, तो थोड़ा लाइट ब्राउन तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई होने के बाद हमने इसमें टमाटो पेस्ट डाल देंगे। मैं 2 टमाटो लिया हूँ मीडियम साइज़ के। अब इसको मिला के फ्राई कर लेंगे जब तक ना ऑयल सेपरेट हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर एंड 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे और इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अगर मसाला ज़्यादा ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं फ्राई करते टाइम, नहीं तो मसाला जल जाएगा हमारा। अब 1 मिनट बाद हमारा मसाला बनके रेडी हो गया है। अब इसमें हमने फ्राइड फिश को डाल देंगे। अभी फ्लेम हमने बिल्कुल लो में रखना है। अब फिश ऐड करने के बाद हम फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको थोड़ा मिला लेंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी डाल के, वार्म वाटर डाल के इसको 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में हमने थोड़ा पका लेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारा फिश में जो मसाले का टेस्ट है वो अच्छे से आ जाएगा। अब 4 मिनट बाद हमने ढक्कन को हटा के हमारा फ्राइड आलू को डाल देंगे। डाल दिया है। अब इसमें ऑलमोस्ट 1 कप पानी डाल देंगे और उसमें सॉल्ट डाल देंगे एज पर टेस्ट। और इसको ढक के या खुला छोड़ के हमने इसको 3 से 4 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा फिश करी बनके रेडी हो गया। अब इसको गरम गरम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक बाय बाय।